सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्लास एंड इट्स अवर थर्ड लेक्चर। सो लेट मी रिपीट व्हाट वी हैव स्टडीड यस्टरडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड अबाउट द डिटेल ऑफ अवर सिलेबस and thereafter we started our first unit, that is our chassis frame. Sometimes we call it chassis and sometimes we call it chaches, so different pronunciations are used in different regions, so both are okay. So in chaches we have studied different types of chaches and its requirement also, and what is the difference between conventional chaches and frameless chaches. So yesterday we have discussed about it, so today we will start from that onwards. Yesterday we have discussed something about chaches and its components, what are the different components of automobile chaches. So here is the list of component in an automobile, that is power unit, transmission system, basic structure, controls, auxiliaries and superstructure. Okay, so the basic structure have frame, suspension, axle and wheels. And then controls, we have steering and braking system. So these two we have discussed yesterday, and now we will move further. Power unit hum log use karte hain and transmission hum log use karte hain. So collectively both are known as power plants. So whatever power is supplied or torque is transmitted is generated by power unit and transmitted by the transmission system. Similarly, the basic structure and control are called running gears in any automobile. So these are the two combinations. When we combine these two, power plant and running gear, then we call it framework. So we have different functions of power plant and running gear. So the functions are to propel the vehicle, means to move it forward or backward. Similarly, to control the vehicle, control in the sense of directional control as well as the speed controls. Different types of chaches. First thing in chaches is our conventional chaches. So, सबसे पहले हम यदि बात करते हैं कि कन्वेंशनल चेचेस में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि कन्वेंशनल चेचेस के अंदर में आपका इंजन जो होता है, इंजन का प्लेसमेंट आउटसाइड द कैबिन होता है। यदि आप देखेंगे ड्राइवर का कैबिन आपको दिख रहा है इस ट्रक में, या सो आप देख रहे हैं कि आपको एक ड्राइवर दिख रहा है और ड्राइवर से बाहर एक्सट्रूडेड पार्ट है, बाहर निकला हुआ पार्ट है जहां पर इंजन माउंट होता है। सो दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल टाइप ऑफ चेचेस। कन्वेंशनल जो चेचेस होता है, क्योंकि उसके अंदर इंजन आगे की तरफ होता है तो आपका जो बोनट होता है वो काफी आगे तक एक्सट्रूडेड होता है। इसकी वजह से नुकसान क्या होता है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। पहला जो आप देख पा रहे हैं, दैट इज ड्राइवर अनेबल टू सी इन फ्रंट ऑफ द टायर्स। जो आपके पास दिख रहा है उसका विजिबिलिटी कम हो जाती है, उसके पास जो विजन है वो काफी दूर तक की चीजों को ही देख पाता है, पास की चीजों को नहीं देख पाता है क्योंकि वो शेडेड एरिया आपको दिख रहा है। इसको हम ब्लैक स्पॉट भी बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल। तो ब्लैक स्पॉट क्रिएट हो जाता है जहां पर वो कोई भी चीज हो, यदि मान लीजिए वहां कुत्ता बैठा है या वहां पर कोई चीज गिरी हुई है या कोई छोटा सा कोई एनिमल है या कोई भी बच्चा है, यदि वो ट्रेवल कर रहा है तो उसको नजर नहीं आएगा। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कन्वेंशनल चेचेस के अंदर में। दूसरा इसका एक फायदा भी है, लेट मी टेल यू। आपने देखी होगी कई सारी कारें आती हैं जिनके अंदर में आप देखेंगे कि आगे की तरफ इंजन होता है और काफी लंबा बोनट होता है। तो उसमें हमें बेनिफिट क्या मिलता है, या फिर इन ट्रक्स के अंदर बेनिफिट क्या मिलता है कि इन केस ऑफ एनी कोलिजन, यदि कोई भी कोलिजन होता है तो उस केस में क्या होता है, जो इम्पैक्ट आता है वो सारा इम्पैक्ट क्या होता है, फ्रंट एंड पे आता है। और फ्रंट एंड में क्या होता है, आपका इंजन होने की वजह से सारा जो क्रम्बल है, जो भी आपकी गाड़ी है वो क्रश होती है, तो वो सारा जो एनर्जी है जो एक्सीडेंट के दौरान में पैदा हुई है, वो सारी काइनेटिक एनर्जी किस में चली जाती है, उसको क्रम्बल करने में चली जाती है। और जो एनर्जी है जो ह्यूमन बीइंग पर ट्रांसफर होती है वो उसकी रेस्पेक्ट में काफी कम हो जाती है। तो हो सकता है कि यदि वो मरने वाला हो तो वो बच जाए और उसके कुछ नॉर्मल इंजरीज हो इस केस में, क्योंकि आगे काफी अच्छा प्रोटेक्शन उसको इंजन से मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरा जो इसका बेनिफिट है कन्वेंशनल चेचेस का, वो ये है कि आप देखेंगे कि इंजन जहां पर ड्राइवर बैठा है वहां पर उसको फुल स्पेस मिली हुई है, यानी कि उसका कैबिन जो है वो किसी तरह से ऑक्यूपाइड नहीं है क्योंकि पूरा इंजन बाहर की तरफ है, तो उसको फुल स्पेस मिलता है। और फुल स्पेस मिलने की वजह से वहां पर जो पांव के लिए स्पेस है प्लस जो और चीजों के लिए जो स्पेस है वो कैबिन में काफी अच्छा होता है। तो ये
एक फायदा, दो फायदे मैंने आपको बताया कन्वेंशनल के, और एक आपको मैंने नुकसान बताया है। वन मोर डिसएडवांटेज इज देयर, एक तो आपको विजिबिलिटी कम दिख रही है इसके अंदर में कन्वेंशनल में, और दूसरा इसका नुकसान यह है कि आप देखेंगे इंजन के जो ऊपर का पार्ट है, यानी कि है तो वो गाड़ी के अंदर ही, मान लीजिए गाड़ी की लेंथ यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो वो लेंथ आपके बिल्कुल एंड टू एंड होती है, फ्रंट से लेके रियर तक आपको काउंट होती है, बट जो स्पेस है आपके पास, जो बोनेट के ऊपर का स्पेस है वो अनयूटिलाइज्ड है, यानी वहां पर कोई किसी तरह से हम कोई सामान नहीं रख सकते हैं, किसी तरह से पैसेंजर नहीं बैठ सकते हैं, तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि वहां पर हम अनयूटिलाइज्ड स्पेस को कवर नहीं कर पाते हैं और हमारा वेस्टेज ऑफ स्पेस होता है। ठीक है, तो दिस इज टू ड्रॉबैक्स एंड टू एडवांटेजेस ऑफ योर कन्वेंशनल चेचेस। फाइन, नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ चेचेस इज सेमी फॉरवर्ड चेचेस। सेमी फॉरवर्ड चेचेस क्या होता है कि इसके अंदर में आपका 50% ऑफ द इंजन इज आउटसाइड द कैबिन एंड 50% ऑफ द इंजन इज माउंटेड इनसाइड द कैबिन। तो पार्शियली आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक्सट्रूडेड होता है और थोड़ा सा आपका कैबिन के अंदर में वो इंजन आया हुआ रहता है। आपने इस तरह का देखा होगा, लाइक टेम्पो ट्रेवलर आप लोगों ने देखे हैं, या इस तरह के कई सारी एम्बुलेंसेज देखी हैं आपने, उनके अंदर में क्या होता है कि इस तरीके का आपको फिटमेंट मिलेगा और जो चेचेज है वो 50% आउटसाइड है। तो अब क्या हुआ, इससे एडवांटेज क्या हुआ कि आधा इंजन अपने कैबिन के अंदर आने की वजह से लेंथ ओवरऑल कम हो गई और जो इंजन अंदर आ गया उतनी स्पेस हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, यानी लगभग 50% इंजन के जो ऑक्यूपेंसी है वो हम लोग अंदर की स्पेस में यूज कर पा रहे हैं। तो हमारे को जो लेंथ है वो तो रिड्यूस हुई है, साथ में अंदर की स्पेस भी बढ़ गई है। तो जो फर्स्ट का ड्रॉबैक था वो 50% हमने इसमें कवर कर लिया है। ओके, लेकिन अभी भी एक डिसएडवांटेज इसमें यही है कि 50% जो स्पेस है वो अभी भी अनयूटिलाइज्ड है, जो इंजन का एक्सट्रूडेड पार्ट है बाहर की साइड है। ओके, लेकिन आपको मैं फिर बता दूं कि इससे भी आप क्या हो रहा है, आपकी सेफ्टी फिर भी 50% है। यदि मान लीजिए इस केस में भी कोलिजन होता है आपका, तो भी आप 50% आप अपने आप को ये मान लीजिए कि आप सेफ हैं। आप उसमें 100% थे तो उसके रेस्पेक्ट में 50% यहाँ पर भी सेफर साइड में, क्योंकि इंजन आपको इंपैक्ट से बचा रहा है। ठीक है, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ सेमी फॉरवर्ड चेचेस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड टाइप, दैट इज फुल फॉरवर्ड चेचेस। फुल फॉरवर्ड चेचेस का मतलब क्या हो गया कि आपका जो चेचेस है वो फुल्ली फॉरवर्डेड है, यानी जो ड्राइवर है वो बिल्कुल आगे तक अपनी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है और जो इंजन है वो बिल्कुल उसकी कैबिन के अंदर ही माउंटेड है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, आप देख सकते हैं कि इंजन जो है वो जस्ट ड्राइवर के लेफ्ट साइड में जो होता है कैबिन के अंदर ही माउंटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने बहुत सारी बसेस में ट्रेवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि बस के अंदर की तरफ ही इंजन लगा हुआ रहता है, बस आगे एक्सट्रूडेड नहीं होती है। वैन आती है, ओमनी वैन आती है, तो इनमें क्या फायदा होता है कि इंजन जो होता है वो अंदर की तरफ ही माउंटेड रहता है, तो हमें पूरी स्पेस यूटिलाइज करने के लिए मिलती है। तो इसमें स्पेस तो हम लोगों को पूरी मिल गई, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके लिए एक नेगेटिव बात यह हो गई कि ड्राइवर बिल्कुल आगे चला गया और इन केस ऑफ एनी इंपैक्ट व्हाट विल हैपन, सीधा यदि कोलिजन होता है, हेड ऑन कोलिजन, तो सबसे पहले जो डेथ होने के चांस होंगे वो ड्राइवर के होंगे, बिकॉज ही हैव नो प्रोटेक्शन एट ऑल। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। सो दैट इज द रीजन वी हैव सम एडवांटेजेस इन फुल फॉरवर्ड चेचेस एज वेल एज वी हैव सम ड्रॉबैक्स इन फुल फॉरवर्ड चेचेस। ठीक है, तो हम दोनों चीजों को कंसिडर करके ही आगे बढ़ते हैं और अपनी जो भी हमारा व्हीकल है उसको डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल चेचेस। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेचेस, कन्वेंशनल, सेमी फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड चेचेस। अब हम सबसे पहले फ्रेम को डिस्कस करते हैं, फ्रेम क्या होता है इसके अंदर में। ठीक है, तो चेचेस के लिए यदि हम बात करें कि मेन जो पार्ट होता है वो ये फ्रेम ही होता है, जो हमारे पास दो तीन चीजों से मिलके बना होता है। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज फ्रेम। तो फ्रेम एक तरह से हम बोलें तो स्केलेटन का काम करता है, पूरा आपके जितने भी माउंटिंग्स हैं उनको सबको सपोर्ट देगा, ट्रांसमिशन को, इंजन को, एसेसरीज को, सबको सपोर्ट करने का काम करेगा। तो जो फ्रेम है इट शुड बी रिजिड एनफ, बहुत मजबूत होना चाहिए जिससे कि वो ये सारे लोड्स को ले सके। तो अब हम बात करें, यदि हम कन्वेंशनल, हमने पहले बात की थी कन्वेंशनल फ्रेम होता है और एक फ्रेमलेस जो आपका फ्रेम होता है, तो उसमें क्या हो गया, कन्वेंशनल में हम अलग से आपका फ्रेम बनाते हैं। ठीक है,
और फ्रेमलेस के अंदर में हम क्या करते हैं, वन सिंगल यूनिट के अंदर में उस कार को हम लोग डिजाइन करते हैं, जिसमें हम लोग जो फ्रेम है प्लस जो बॉडी का जो पार्ट है वो हम एक साथ कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो दिस इज योर कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन जो अभी आप सामने देख रहे हैं. ठीक है, फंक्शंस ऑफ फ्रेम वन, सबसे पहला तो है टू सपोर्ट द कंपोनेंट्स, जो भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको करना है. दूसरा, दो तरह के लोडिंग आते हैं गाड़ी के अंदर में. जब भी गाड़ी रुकी होती है या चलती है तो वी फेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग्स. फर्स्ट इज स्टैटिक लोडिंग. स्टैटिक लोडिंग उस कंडीशन में आती है जब गाड़ी स्टैटिक कंडीशन में होती है, खड़ी हुई होती है, तो वी कॉल इट स्टैटिक लोडिंग. स्टैटिक लोडिंग इज वॉट, जब हमारी गाड़ी खड़ी है तो जो एक्चुअल लोड है, अब वो लोड किस किस वजह से है. फर्स्ट वन इज योर ओन व्हीकल लोड, तो जो गाड़ी का खुद का लोड है वो स्टैटिक लोड में काउंट होगा. सेकेंडली, जो भी आपके पास पैसेंजर हैं या गुड्स उसमें रखा हुआ है उसका जो लोड होगा वो भी स्टैटिक लोड में काउंट होगा. तो ये दोनों लोडिंग कहलाती है स्टैटिक लोडिंग इन एनी ऑटोमोबाइल, जब वो खड़ी होती है. दूसरी कहलाती है डायनेमिक लोडिंग. डायनेमिक लोडिंग वो लोड है जब गाड़ी मूवमेंट में होती है, चल रही होती है, उस केस में उस पर कौन कौन से लोड्स लगेंगे वी विल डिस्कस वन बाय वन. ठीक है, तो मान लीजिए यदि वो कोई बम्प आता है या फिर कोई पिट आती है, तो एक बार आपकी गाड़ी अप एंड डाउन मूव करती है जिसकी वजह से एडिशनल फोर्सेस जनरेट होते हैं जो कि आपकी व्हीकल के ऊपर ट्रांसमिट होते हैं. सो दे आर अ पार्ट ऑफ डायनेमिक लोडिंग. और ये सारे जो लोड्स हैं ये कहीं ना कहीं किस पे ट्रांसमिट होते हैं, चेचिस के ऊपर में ट्रांसमिट होते हैं, और इसीलिए हमारे को चेचिस बहुत मजबूत बनानी पड़ती है. इवन इफ यू विल लुक एट दी व्हीकल लोड, यदि व्हीकल लोड स्टैटिक कंडीशन में था तो वो ग्रेजुअली बिल्कुल डाउनवर्ड लग रहा था, लेकिन यदि हम डायनेमिक की बात करें जब गाड़ी चलती है तो आप देखेंगे कि उसके अंदर में कुछ कॉस थीटा ऐड हो जाएगा. जो वर्टिकल था फोर्स वो भी किसी ना किसी तरीके से क्या होगा, किसी इंक्लिनेशन पर टिल्ट हो जाएगा. तो इसलिए डायनेमिक लोडिंग हम लोग अलग ढंग से कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो ये बम्प्स और पिट के ऊपर जो लोड लगते हैं वो वर्टिकली आपकी टायर्स पे ट्रांसमिट होते हैं एंड इट विल मूव टूवर्ड्स द चेसिस फ्रेम. सेकेंड जो है दैट इज योर साइड विंड्स. साइड विंड की वजह से भी लोड लगते हैं. कभी आप लोगों ने बाइक चलाते वक्त महसूस किया है कि आपका बैलेंस खराब हो रहा है, यदि कभी आंधी चल रही हो और आप उसमें बाइक चला रहे होते हैं तो कभी किसी को ऐसा फील हुआ है? बिल्कुल. तो आप सोचिए कि छोटी सी बाइक है और आपके चारों तरफ से इतनी हवा क्रॉस हो जाती है, फिर भी आपको इतना पुश लगता है, इतना लोड लगता है. तो जब कार चलती है या ट्रक चलता है तो क्या होता है, उसके ऊपर में जो साइड से विंड आती है या सामने से जो विंड आती है उसकी वजह से भी आपको एक्स्ट्रा लोड आपके व्हीकल पे लगता है, और वो भी लोड अल्टीमेटली किस पे ट्रांसफर होता है, चेचिस के ऊपर होता है. तो चेचिस को इस हिसाब से हमें डिजाइन करना होता है कि वो ये लोड को भी बियर कर सके विदाउट एनी डिफॉर्मेशन. तीसरा जो है दैट इज रोड कैम्बर्स. रोड कैम्बर्स क्या होते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड्स ऑन द कर्व्स, राइट. देखिए ढलान का मतलब तो ये हो गया कि आप मान लीजिए ब्रिज पे चढ़े और आप उतर रहे हैं, दैट इज नॉट योर कैम्बर. कैम्बर किसको बोलते हैं, हम जब भी आपका गाड़ी टर्न करता है, आपने देखा होगा हाईवेज पे आपकी गाड़ी बाहर जो बाहर की रोड होती है वो थोड़ी सी ऊंची बनाई जाती है. यदि वो ऊंची नहीं बनाई जाए, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं आपको एक तरफ में पॉजिटिव कैम्बर और एक तरफ में नेगेटिव कैम्बर दिख रहा है, राइट. तो यदि ये नहीं बनाई जाएगी और स्ट्रेट रोड पे यदि आप गाड़ी को टर्न कराएंगे तो गाड़ी आपकी बाहर की तरफ निकल जाएगी, और वो किसकी वजह से निकलेगी, एग्जैक्टली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट राइट राइट. सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द मेन कॉज, तो उसकी वजह से हमारी गाड़ी क्या होगी, बाहर की साइड में निकल जाएगी. उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोड के ऊपर में हल्की सी बैंकिंग करते हैं, यानी उसको हल्का सा कैम्बर देते हैं. कैम्बर देने से क्या होता है, रोड बाहर की साइड से थोड़ी ऊंची होती है जिसकी वजह से जब गाड़ी टर्न करती है तो वो बाहर की तरफ नहीं स्लिप होती है. ठीक है, सो दिस इज अवर रोड कैम्बर. लेकिन इसकी वजह से भी लोडिंग आपकी क्या होती है, फ्रेम के ऊपर में ज्यादा हो जाती है, क्योंकि पूरा जो लोड होता है वो आपका गाड़ी का जो एक तो नॉर्मल सरफेस पे जब गाड़ी चलती है और एक जब गाड़ी किसी कैम्बर पे चलती है तो दोनों में फर्क होता है, और जो एडिशनल जो फोर्सेस हैं वो किस पे एक्ट करते हैं, आपके अगेन चेचिस के ऊपर एक्ट करते हैं. तो हमें इसको भी कंसिडर करना पड़ता है वाइल डिजाइनिंग अवर चेचिस फ्रेम. ओके, तीसरा जो है, यदि मान लीजिए हम नॉर्मल रोड्स की सिटी की बात करें, सिटी में हम लोग कभी भी इस तरह का कैम्बर नहीं देखते हैं. क्या आपने देखा है किसी ने सिटी के अंदर की रोडों पे कैम्बर होता है, सिटी में धीरे गाड़ी चलाते हैं बट गाड़ी तो टर्न लेती है वहां पर भी. तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम लोग जब गाड़ी को टर्न लेते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा रिजल्टेंट फोर्स हमारे वहां पर भी किस पर एक्ट करते हैं, चेचिस के ऊपर में एक्ट करते हैं. तो हमें उसको डिफ्लेक्शन से बचाने के लिए वहां पर अगेन डिजाइन को ध्यान रखना होता है कि हम उसको किस तरह से रिजिड बनाएं. नेक्स्ट वन इज कोलिजन.
बाय चांस यदि मान लीजिए आपकी गाड़ी किसी भी वजह से कहीं से भी टकरा जाती है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आगे कोई गाड़ी आ गई, आपने उसके साथ टक्कर मार दी, साइड में कोई गाड़ी आ गई उसके साथ टक्कर मार दी, या पीछे से किसी और गाड़ी ने आपको आके टक्कर मार दी, तो ये सारे इम्पैक्ट भी अल्टीमेटली किसको बियर करने हैं? चेचिस को हमें बियर करने हैं, एग्जैक्टली. तो हमारे चेचिस फ्रेम को अगेन हमें यहाँ पर मजबूत रखना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो कि हमारी गाड़ी टकराई और हमारा चेचिस फ्रेम ही टूट के अलग हो गया. सो वी हैव वन मोर टाइप ऑफ लोडिंग. किसी भी गाड़ी के चेचिस के ऊपर में एक तरह की और लोडिंग लगती है, वो लगती है एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग के टाइम पे. तो आप समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है और बहुत वेट है उसका, और वो स्टैटिक कंडीशन में खड़ी है. स्टैटिक कंडीशन के बाद जैसे ही आप उसको रेस देते हैं, एकदम से आप उसको रेस देते हैं और गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन बिकॉज ऑफ मोमेंटम या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी आगे की गाड़ी तो फ्रंट की तरफ में भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ गाड़ी का पार्ट क्या होगा, स्टैटिक रहने की कोशिश करेगा. टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा या कंप्रेशन फोर्स जनरेट होगा, ये समझ लीजिए कि आपने एक रबड़ को पकड़ा हुआ है दोनों उंगलियों से, दोनों हाथों से एक रबड़ को पकड़ा हुआ है, और अब आपको क्या करना है, उस रबड़ को यदि आप धीरे धीरे आगे बढ़ाते तब तो वो रबड़ क्या होता, धीरे धीरे बढ़ता जाता, लेकिन आप इसको एकदम से आगे वाले सिरे से खींचेंगे और पीछे वाला सिरे को आने में टाइम लगेगा, तो कौन सा फोर्स जनरेट होगा अंदर रबड़ में, कंप्रेशन और टेंसाइल, टेंसाइल फोर्स, एग्जैक्टली. तो हमारा जो फ्रेम होगा उसको कौन सा फोर्स बियर करना पड़ेगा उस टाइम पे, जैसे ही हम एक्सेलरेट करते हैं, टेंसाइल फोर्स. लेकिन अभी ये देखिए आपके सामने दिख रहा है, मान लीजिए मैं इस पहिए को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और ये रुका हुआ है स्टैटिक कंडीशन में, तो क्या होगा उस केस में, जो बीच का पोर्शन है वो क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, और खींचने के ही चीज को हम टेंसाइल फोर्स बोलते हैं, ठीक है, वो बड़ा होने की कोशिश करेगा, ठीक है. तो फ्रेम बड़ा तो नहीं हो सकता, फ्रेम को तो उतना ही रहना है, तो व्हाट वी नीड इट रिजिडली डिजाइन कि वो टेंसाइल फोर्स को बियर कर सके. सिमिलरली मान लीजिए ये कार है और ये बहुत तेजी से आगे जा रही है, और इसी में आपने एकदम से ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाते के साथ ही पूरी गाड़ी क्या हो रही है, आपकी मोशन में थी और आपने एकदम से ब्रेक लगाया, तो ये गाड़ी रुक तो गई, लेकिन फिर भी इसके कुछ बॉडी पार्ट्स हैं, वो क्या करेंगे, किस तरफ आने की कोशिश करेंगे, पीछे जाएंगे आगे आने की कोशिश करेंगे, आगे आने की कोशिश, वेरी गुड वेरी गुड. तो आगे आने की कोशिश करेंगे, तो अब वापस से सोच के बताइए कि जो आपके पास फ्रेम है उसमें कैसे कैसे फोर्सेस डेवलप होंगे, कंप्रेसिव या टेंसाइल, कंप्रेशन, वेरी गुड. तो मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूं कि जो चेचिज है वो दोनों टाइप की लोडिंग लेता है, यानी ऐसा नहीं है कि आज तो कंप्रेशन ही लगेगा और कल को उसके अंदर टेंसाइल फोर्स लगेगा, ऐसा नहीं होगा. डेली जब भी गाड़ी चलेगी तो कभी उसमें टेंसाइल लगता है और कभी उसमें कंप्रेसिव लगता है. तो आप में से शायद आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि रिपीटेड रिवर्सिबल लोडिंग, क्या कहते हैं इसको, इसकी वजह से फटीग, वेरी गुड. तो इसकी वजह से जो फेलियर होता है वो उसकी नॉर्मल स्ट्रेंथ से भी कहीं पहले हो जाता है, समझ रहे हैं बात को. तो हाँ, तो एंड्यूरेंस लिमिट से भी हमारे को क्या होगा, इसको अच्छा डिजाइन करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर रेगुलरली हमारे पास जो चेचिज है इट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल एज वेल एज कंप्रेसिव फोर्सेस, इज इट क्लियर. और इसको अवॉइड करने के लिए हम हमेशा क्या बोलते हैं, गाड़ी चलाते वक्त क्या करिए, एकदम से एक्सेलरेट करिए या धीरे धीरे एक्सेलरेट करिए, धीरे धीरे, एग्जैक्टली. इसीलिए हमें भले ही कार हो या बाइक हो या ट्रक हो, हमें एकदम से एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए, नहीं पेडल दबाना चाहिए, नहीं तो टेंसाइल फोर्स ज्यादा डेवलप होंगी. सिमिलरली ब्रेक्स मारने के लिए आपको क्या कहा जाता है, ब्रेक एकदम से मार दो, नो, नेवर. व्हाट वी आर आस्किंग फॉर, वी शुड अप्लाई द ब्रेक्स ग्रेजुअली, हमें धीरे धीरे ब्रेक लगाने चाहिए जिससे कि गाड़ी स्टेडी स्टेट से, मोशन से स्टेडी स्टेट में आते, धीरे धीरे ग्रेजुअली डाउन आए. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग ऑन एनी ऑटोमोबाइल. कि जो चेचिस फ्रेम है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और उसमें किसको हम क्या बोलते हैं, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. सो एज यू कैन सी आपके सामने एक फ्रेम दिख रहा है और इसमें कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं. तो सबसे पहले यदि हम सबसे बड़े पार्ट्स को देखें, तो सबसे लेफ्ट और राइट में आपको बड़े बड़े लॉन्गिट्यूडनल मेंबर दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि अभी आपको हाईलाइट कर रहे हैं. ये जो हाईलाइटेड आपको सेक्शन दिख रहे हैं ये काफी लंबे होते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड ट्यूडनल मेंबर कहलाते हैं, और इनको हम राइट या लेफ्ट बोलते हैं. मान लीजिए आगे यहाँ पर ड्राइवर सीट है, तो ड्राइवर सीट से राइट वाला राइट कहलाएगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट कहलाएगा. सो दैट इज टू डिफरेंट मेंबर्स, दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मेंबर्स. इनको किससे रखा जाता है ज्वाइंट, दोनों
दोनों को पास में रखने के लिए या एक डिस्टेंस पे रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अगेन वी आर यूजिंग क्रॉस मेंबर्स। तो क्रॉस मेंबर्स क्या करते हैं, इन दोनों लॉन्गिट्यूडनल मेंबर्स को ज्वाइन करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। अब इनको कैसे जोड़ा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल मेंबर के साथ में क्रॉस मेंबर्स को कैसे जोड़ा जाता है, तो आप देख रहे हैं यहां पर आपके पास क्रॉस मेंबर है और ये यहां पर और इस एंड पर, यानी दोनों एंड्स पर ये अटैच है किससे, लॉन्गिट्यूडनल मेंबर से। तो इनको अटैच करने के लिए हम लोग ये या तो रिविट काम में लेते हैं या फिर हम बोल्ट्स काम में लेते हैं, ठीक है। तो यदि आप इसको देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे कि आपको जो एंड्स हैं यहां पर आपको रिविट मिलेगी या फिर बोल्ट मिलेंगे। सो व्हाट हैपेंस कि मान लीजिए यदि इसके अंदर में थोड़ा सा भी एक्सपांशन हुआ या कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो आपके वेल्डिंग ज्वाइंट्स के अंदर में क्या हो सकता है, किसी भी तरह का क्रैक आ सकता है। जबकि जब आप बोल्ट कर रहे हैं या फिर आप इसको रिविट कर रहे हैं उस केस में आपके पास ये रिजिडली ज्वाइंट नहीं है, इसके बीच में ऑटोमेटिकली गैप रहता है, ठीक है। तो ये इसका फायदा होता है। तो हम देखते हैं कि कितना बड़ा अपने पास व्हीकल का लेंथ है, उसी के हिसाब से हम अलग अलग लॉन्गिट्यूडनल मेंबर्स को यूज करते हैं और क्रॉस मेंबर्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि कितने मेंबर हमको क्रॉस यूज करने हैं। सो नंबर ऑफ क्रॉस मेंबर्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ व्हीकल एज वेल एज द लोड ऑफ व्हीकल। यदि आप देखेंगे कि ऊपर वाला जो फ्रेम है इसके अंदर में सिर्फ तीन या चार ही क्रॉस मेंबर लग रहे हैं और नीचे वाला जो फ्रेम है करीबन इसके अंदर में सिक्स क्रॉस मेंबर लग रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली द स्ट्रेंथ विल इंक्रीज एंड इन अपर केस स्ट्रेंथ इज लो। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन मेंबर्स। आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर में कि डायगनल क्रॉसिंग भी दी हुई है। डायगनल क्रॉसिंग क्या है, डायगनल क्रॉसिंग ये है कि बिकॉज ऑफ टॉर्जन, टॉर्जन आप लोगों ने देखा है, टॉर्जन क्या होता है कि अभी तक तो हमने बात करी कि ऊपर नीचे यदि फ्रेम होता है या लेफ्ट एंड राइट होता है जब तक तो फ्रेम उस लोड को बियर कर लेगा, लेकिन यदि बकलिंग होती है, बकलिंग आप समझते हैं, मतलब मान लीजिए अभी मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए किसी एक साइड से आपका किसी चार कॉर्नर में से, इन चार कॉर्नर में से मैं किसी एक साइड को नीचे की तरफ झुकाऊंगा, ठीक है। तो उस केस में हमारे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम लोग डायगनल ब्रेसिंग भी यूज करते हैं जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। अब देखिए ध्यान से कि हमने इसमें थोड़ा सा डिजाइन मॉडिफाई ये किया है कि ये स्ट्रेट नहीं है। यदि हम साइड से देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल मेंबर को तो ये स्ट्रेट ना होकर के पीछे से ऊपर है, फिर नीचे कर दिया गया है, इसको नीचे नीचे चले और फिर आगे जाकर के ऊपर कर दिया गया है, सस्पेंशन को जगह देने के लिए एक कारण। दूसरा जो आपने ग्राउंड क्लियरेंस का, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं अभी इसको डिस्कस करता हूं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप देखेंगे कि ओवरऑल जो लेंथ, जो हाइट है किसी भी व्हीकल की, वो इससे हमारे पास कम हो गई है। यदि हम ऐसा नहीं करते और यदि हम इन मेंबर्स को स्ट्रेट बनाते, यानी कि हमें सस्पेंशन तो लगाना ही था, तो मान लीजिए ये सस्पेंशन यहाँ से करीबन 30 सेंटीमीटर हाइट पर है किससे, एक्सेल से, तो पूरी का पूरा ही व्हीकल हमारा 30 सेंटीमीटर हाइट पे ही चलता। लेकिन इससे होता ये कि आपकी ओवरऑल हाइट बढ़ जाती गाड़ी की और नीचे का जो स्पेस है वो अनयूटिलाइज रह जाता। तो इसको हम ज्यादा यूज करने के लिए हमने क्या किया, जहां पर आपके पास टायर है यानी आगे की तरफ में जहां पर आपके पास कह सकते हैं एक्सेल है और फ्रंट एक्सेल और रेयर एक्सेल है, वहां पर हमने क्या किया, इन लॉन्गिट्यूडनल मेंबर्स को ऊपर उठा दिया है और बाकी हमने इसको नीचे कर दिया। बीच में से नीचे करने से हमें फायदा यह हुआ कि हमारे पास जो सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गई, इसकी डाउन हो गई, इस पूरी बस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेट जो है वो नीचे चला गया, जिसकी वजह से इसका पलटना, जिसको हम टॉपलिंग ऑफ व्हीकल बोलते हैं, वो कम हो गया। यदि मान लीजिए ये हम ऊपर ही रखते तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी ऊपर चला जाता और यदि हम किसी टर्न पर इसको थोड़ा भी तेज गाड़ी को टर्न कर लेते तो क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होने की वजह से वो क्या करती, आउटसाइड में एक्ट करती और आउटसाइड एक्ट करते ही क्या होता, आपका गाड़ी जो है वो पलट जाती, दैट इज कॉल्ड टॉपलिंग ऑफ व्हीकल, वो होने के चांस बहुत बढ़ जाते। तो हमने इसको मिनिमाइज करने के लिए जो लॉन्गिट्यूडनल मेंबर है उसको हमने क्या किया है, बीच में से डाउन कर दिया और यहां पर उतना ही डाउन किया है कि नीचे से हमें जमीन से इसको इतना ऊपर रखना है कि हमें प्रॉपर ग्राउंड क्लियरेंस मिले, यानी कोई पत्थर है या कोई और चीज है या बम्प है उस पर ये चेचेस टच नहीं हो जाए, तो हमें ग्राउंड क्लियरेंस उतना छोड़ करके हमने इसको नीचे डाउन कर दिया। तो आप देखते होंगे लग्जरी बसेस या लो फ्लोर बसेस हैं, तो लो फ्लोर बसेस इतने नीचे होती हैं लेकिन इतने नीचे टायर तो नहीं होते हैं, तो उसका क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल मेंबर आगे और पीछे से ऊपर किया हुआ है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब दूसरी जो चीज है, यदि हम टॉप व्यू से देखें
तो लॉन्गिट्यूडनल मेंबर को यदि हम टॉप व्यू से देखेंगे तो आगे से उसको नजदीक कर दिया गया है, यानी आगे से उसको नैरो बनाया गया है लॉन्गिट्यूडनल मेंबर को। ऐसा क्यों है? तो आप देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल मेंबर जो है आगे जाकर के कम स्पेस ले रहे हैं, जबकि पीछे वो पूरा वाइड स्पेस ले रहे हैं। तो आगे से कम करने के पीछे कोई बता सकता है इसका रीजन? सबसे पहला हम बात करें कि आपके पास टर्निंग रेडियस कम हो गया, यानी यदि हम इस गाड़ी को घुमाते कहीं खड़ा करके, मान लीजिए घड़ी खड़ी हुई है और हम इसको पूरा यू टर्न लेना चाहते हैं, गाड़ी को घुमाना चाहते हैं, तो हम यदि इस पर्टिकुलर पोजीशन को देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इतना गैप मिल गया हमको। और ये जब टायर है, जब ये टायर को हम लेफ्ट काटेंगे या राइट में जब इसको टर्न करेंगे तो क्या होगा, ये टायर मुड़ने के लिए हमें प्रॉपर स्पेस मिल गई, तो हमारा वो जो गाड़ी खड़ी है वो यहीं से मुड़ जाएगा और इसी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो टर्निंग रेडियस है जिसको हम बोलते हैं कि कितने एंगल, मतलब कितने रेडियस पर ये टर्न हो सकता है व्हीकल, वो कम हो जाता है। इसी के यदि हम इसकी अपोजिट बात करते हैं, यदि ये लॉन्गिट्यूडनल मेंबर स्ट्रेट होते, तो स्ट्रेट होते तो वो यहाँ पर कहीं आते और यहाँ यहाँ पर आते तो हमें ये जो व्हील है हमें और दूर रखना पड़ता, जिससे कि वो इसको टच नहीं करता। तो यदि हम दोनों व्हील्स को दूर कर देंगे तो टर्निंग रेडियस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो पहला तो ये जवाब सही है कि ये टर्निंग रेडियस कम करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। दूसरा हमारे को बेनिफिट क्या हुआ, प्रॉपर स्टीयरिंग, जो हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं उस टाइम पे हम लोगों को बार बार स्टीयरिंग भी करनी पड़ती है, यानी कि कभी हमें लेफ्ट लेना है कभी राइट लेना है, तो स्टीयरिंग करना हमारे लिए आसान होता है इसको, क्योंकि हमारे को प्रॉपर स्पेस मिल जाता है दोनों साइड में, ठीक है। एंड थर्ड वन सेड एरोडायनामिक्स इंप्रूव, एग्जैक्टली कि यदि हम आगे से किसी चीज को जितना नैरो रखते हैं उतना एरोडायनामिक हमारा इंप्रूव होता है, तो हमारे पास जो एयर है वो क्या करती है, इजीली वहां से पास ऑन हो जाती है। यदि हम इसको जितना बड़ा रखेंगे, मान लीजिए हम एक बात करें एक इंजन की जो कि आगे से बिल्कुल फ्लैट होगा और बड़ा होगा, और एक आगे से जो इंजन होगा जिसका कंपार्टमेंट होगा वो काफी तीखा होगा, आगे से कम होगा, तो ऑटोमेटिकली एरोडायनामिक्स की वजह से हमारे पास कम से कम फोर्सेस लगेंगे जो भी आगे से जिसका क्रॉस सेक्शन कम होगा। सो वन रीजन इज दैट ऑल्सो, सो दैट्स फाइन। इसके अलावा जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग फ्रेम के अंदर में ब्रैकेट्स लगाते हैं। आपने बात करी लॉन्गिट्यूडनल मेंबर्स की, आपने बात करी क्रॉस मेंबर्स की, उसके अलावा जो ये ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं दे आर कॉल्ड ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स क्या होता है, बेसिकली छोटे छोटे आपके जो मेटल के आप क्या करते हैं अलग अलग डिजाइन के एक्सट्रूडेड पार्ट्स लगाते हैं, अलग से बना करके डिजाइन करके उनको वेल्ड कर देते हैं या फिर नटबोल्ट कर देते हैं, और वो जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा ब्रैकेट हम डिजाइन करते हैं और उसको उसी जगह पे हम लगा देते हैं। और ये क्या हेल्प करते हैं, ये कई तरह की माउंटिंग्स के काम आते हैं, कई तरह के हम लोग जो चीजें इस पे लगाने वाले हैं उनको सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम लोगों ने जैसे कूलर लगाया, कूलर क्या होता है, कूलर फ्रेम में वो पूरी तरह से फिट नहीं हुआ और वो नीचे जा रहा है, उसके अंदर जो गैप है वो बढ़ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं छोटे छोटे आयरन के पीसेस लेके कोनों पे वेल्ड कर देते हैं, उससे क्या होता है कि उनको एक सपोर्ट मिल जाता है, इन दैट केस वी विल कॉल दैट ब्रैकेट। तो वो ब्रैकेट हो गया आपके पास और एक मेन फ्रेम हो गया, ठीक है। तो ये ब्रैकेट्स क्या करती है हमारी ऑटोमोबाइल में, जो भी चीजें हैं बॉडी को सपोर्ट करती हैं, ओके। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि आपका एक्सेल जो है, आप देख पा रहे हैं एक्सेल आपका यहां पर है और एक्सेल से जो आपका फ्रेम है वो आगे निकला हुआ है, ऐसा नहीं है कि जहां तक एक्सेल है वहीं तक हम फ्रेम को रखते हैं, फ्रेम उससे भी थोड़ा आगे तक निकला हुआ रहता है। तो आप देखेंगे सपोर्ट जो है, गाड़ी को सपोर्ट जो मिल रहा है वो तो सिर्फ फ्रेम इससे ही मिल रहा है, एक्सेल से मिल रहा है, फ्रंट एक्सेल और रेयर एक्सेल से, लेकिन इसके आगे का पोर्शन जो इसके ऊपर में वजन है, मान लीजिए इंजन का वजन है या जो भी आगे बॉडी लगी हुई है उसका वजन है या रेडिएटर लगा हुआ है उसका वजन है, उस वजन को इससे डायरेक्टली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, देख पा रहे हैं। तो ये जो आगे का पोर्शन निकला हुआ है एक्सेल से, जितना पोर्शन आगे निकला हुआ है दैट इज कॉल्ड आवर फ्रंट ओवरहैंग। ओवरहैंग आप लोग जानते हैं लटका हुआ है, जैसे आप लोगों ने कैंटिलीवर पढ़ा होगा उसी तरह से ये ओवरहैंग वेट है। ओवरहैंग वेट मतलब अनसपोर्टेड वेट है। यदि कोई किसी तरह से गाड़ी जंप करती है या किसी भी वजह से गड्ढे में जाती है तो ये यही वो पोर्शन है, यही वो वेट है जिसकी वजह से ये वाइब्रेशंस करेगी, ये ऊपर नीचे की तरफ वाइब्रेट करने लगेगी। इसी तरह से हमारे पास रेयर में भी हमारे पास कुछ वेट होता है जो कि एक्सेल से पीछे की तरफ निकला हुआ रहता है, जिसको हम रेयर ओवरहैंग बोलते हैं। तो बसों में आप लोगों ने कभी यदि देखा हो और गलती से आपने पीछे की सीट चूज कर ली हो या स्लीपर चूज कर लिया हो तो आपको ज्यादा बंप लगते हैं, इज इट ट्रू और नो, आप लोगों ने देखा ऐसा?
या सो हम वी नेवर प्रीफर, हम बिल्कुल आगे भी नहीं बैठना प्रीफर करते हैं, हम बिल्कुल पीछे भी प्रीफर नहीं करते हैं, बिकॉज यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉक्स लगते हैं, क्योंकि ये जो वेट है ये अनस्प्रंग वेट है, यहाँ पर कोई तरह से हमें सपोर्ट नहीं है। हालांकि जो नई गाड़ियां आ रही हैं उसमें एयर सस्पेंशन आ गया है काफी हद तक, वो इस जो ओवरहैंग वेट है इसको काफी हद तक सपोर्ट करने में सक्षम है, तो हमें उतने झटके नहीं लगते हैं। बट स्टिल इफ वी कंपेयर द मिडिल पार्ट और द रेयर पार्ट और फ्रंट पार्ट ओवरहैंग, तो उसके अंदर में वाइब्रेशंस ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं, तो फ्रंट ओवरहैंग और रेयर ओवरहैंग इसी को बोला जाता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पूरे जो चेचिस फ्रेम है उसके ऊपर में हम लोग इंजन लगाते हैं, उसके बाद में हम लोग पूरा ट्रांसमिशन लगाते हैं, हम लोग यहाँ पर स्प्रिंग लगाते हैं, ये लीफ स्प्रिंग आपकी लगाई हुई है, और उसके साथ हमने इसको जो एक्सेल है उसको हमने ज्वाइन कर रखा है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंजन लगाया जाता है वो डायरेक्टली हम फ्रेम के ऊपर माउंट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फ्रेम, जो ये इंजन है, ये आपका डायरेक्ट बोल्ट नहीं होता है फ्रेम के ऊपर, इसको लगाने से पहले हम यहाँ पर रबर के कह सकते हैं, बुश कह लीजिए या रबर के वॉशर कह लीजिए, मोटे हम यूज करते हैं, और ये जो रबर बुश कह लीजिए या ब्लॉक्स कह लीजिए, ये चारों तरफ में हम लोग लगाते हैं, जहां जहां पे भी नट बोल्ट हमको करने हैं वो हम लोग डायरेक्टली नहीं करके पहले रबर ब्लॉक लगाते हैं और फिर नट बोल्ट करते हैं। तो ये क्या काम करता है, ये एक तरह से स्प्रिंगिंग एक्शन का काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो जो भी शॉक यदि रोड पे ट्रांसमिट हो रहे हैं, यहाँ पर जो भी शॉक लग रहे हैं व्हील पर, वो क्या होते हैं, वो इस रबर की वजह से कुछ हद तक एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो पूरी तरह से इंजन को वाइब्रेट नहीं कराते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंजन ज्यादा वाइब्रेट नहीं हो। तो इंजन के लिए एक्स्ट्रा केयर देने के लिए हमने क्या किया, उसको रबर ब्लॉक्स के ऊपर में माउंट किया हुआ है। तो ये सब मिलाकर के हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रेम बना रहे हैं, और जो फ्रेम बनाने के लिए मटेरियल यूज हो रहा है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेस्ड स्टील काम में ले रहे हैं। जैसा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अलग अलग क्रॉस सेक्शंस, देखिए आप यदि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये सी टाइप मेंबर है, यहाँ पर आपको सी टाइप मेंबर लग रहे हैं, ये आपके पास सर्कुलर मेंबर्स हैं, यहाँ पर आपके पास रेक्टेंगुलर मेंबर्स लगे हुए हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की स्ट्रेंथ चाहिए, उसके हिसाब से आप प्रेस स्टील फ्रेम काम में ले सकते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल मेंबर किसे बनाना है और क्रॉस सेक्शन क्रॉस मेंबर किसे बनाना है, ये डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? क्विकली मैं आप लोगों को एक लोड टेस्ट दिखा रहा हूं कि किस तरह से फ्रेम का लोड टेस्ट होता है। ये आपका फोर्ड का एक टेस्टिंग सेंटर है, और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक चेचिस को यहां पर सपोर्ट किया हुआ है, और तीन तरफ से इसको सपोर्ट किया हुआ है चेचिस को, और एक तरफ में वेरिएबल लोड रखा हुआ है। तो एक तरफ में टोयोटा का आपके पास फ्रेम है, एक तरफ में फोर्ड का फ्रेम है, एंड यहाँ पर आपको मीटर रीडिंग दिख रही है कि हमारे पास कितना डिफ्लेक्शन हुआ। यदि हम यहाँ पर सेम लोड लगा रहे हैं दोनों पर, तो हमारा कितना फ्रेम टॉर्जन के कारण में नीचे बैंड हुआ, वो चीज ये यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द सेटअप, ठीक है? तो ये आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से इसके स्पेसिफिकेशंस हैं। सो थ्री साइड इट इज सपोर्टेड, एंड नाउ व्हाट दे आर डूइंग, आप देखिए बराबर लोड लगाया हुआ है दोनों पर, ठीक है? तो टोयोटा का लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में आपके पास फोर्ड का है। तो आप जो डिफ्लेक्शन देख रहे हैं टोयोटा में कितनी दिख रही है आपको, 1.339, ठीक है? मे बी इट इज एमएम और इंचेज, आई डोंट नो, बट स्टिल यू कैन सी इट इज ओनली 0.3, यू कैन सी दिस। तो इसके अंदर में क्या हुआ है, यहां पर जब हमने लोड लगाया तो इसमें टॉर्जन कम हुआ है, ये फ्रेम कम बैंड हुआ है एक साइड से, जबकि टोयोटा का फ्रेम ज्यादा बैंड हुआ है यहां से आगे की तरफ से। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि हमारे पास ज्यादा टॉर्जन स्ट्रेंथ किसकी हो गई, फोर्ड की हो गई, और टोयोटा की जो है वो टॉर्जन स्ट्रेंथ कम होती है। कोई बता सकता है इस तरह का रियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ऐसा इंपैक्ट कब आता है, कब होता है ऐसा कि एक तरफ से फ्रेम आगे से नीचे जाए, व्हील अलाइनमेंट खराब हो, और यदि मान लीजिए रोड कंडीशन में ऐसा हो कि रोड तो स्ट्रेट है लेकिन कोई गड्ढा आ जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, एक टायर आपका गड्ढे में चला गया, तो ये टॉर्जन की जो जो सिचुएशन है ये क्रिएट हो जाती है, और उस टाइम में आपका फ्रेम बकल हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है। तो ये वो एक सिचुएशन है जिसके अंदर में आपका फ्रेम जो है वो आपका एक तरफ से डाउन हो जाता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टूडेज लेक्चर।